उत्तर प्रदेश के देवरिया से खबर है, जहां पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए डीएम व एसपी ने बॉर्डर एरिया के बूथों का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए यूपी और बिहार बॉर्डर पर स्थित मतदान केंद्रों का डीएम एसपी समेत विभिन्न अधिकारियों ने निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश भी दिए। वहीं डीएम ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जनपद बाहर रह रहे सभी मतदाताओं को भेजने का भी अनुरोध किया है। देखिए, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसमें आदर्श आचार संहिता जो है, चुनाव आचार संहिता जो है, प्रभावी है। इस सिलसिले में मेरे और कप्तान साहब के द्वारा जो है बॉर्डर एरिया का जो है सीमांकन किया जा रहा है। माननीय आयोग के निर्देश हैं कि जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं, उन इंटर स्टेट बॉर्डर पर प्रॉपर चेक पॉइंट्स इस्टेब्लिश की जाएँ, ताकि एनसीसी वायलेशन के अगर कोई भी प्रयास हो तो उस प्रयास को ख़त्म किया जा सके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यूपी और बिहार का बॉर्डर है। मेरे पीछे जो है पूरा बिहार राज्य की सीमा है, बिहार राज्य का क्षेत्र है। यहाँ पर हम लोग तैयारियाँ देख रहे हैं। तभी तैयारियाँ चूँकि जस्ट इनिशिएशन है, इनिशिएशन में तैयारियाँ अपनी जगह पर स्थापित। ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की देवरिया से रिपोर्ट।